मैंने कहा YouTube के लिए रिकॉर्डिंग हो रही, कोई तैयार नहीं, एक तो लोग, दूसरे ही तरक्की देख नहीं सकते। ये मुशायरा नहीं है, वो तो है, चुपचाप देखो। क्या है कि अब मैं 38 की उम्र में जब भी किसी शादी में जाऊँ ना यूपी में, रिश्तेदारी में, तो लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें करें। शर्मा जी का बड़ा वाला कर क्यों नहीं रहा है, मेरी मामी ने मेरा नाम रख दिया कुमारा जेठ। हाँ, लोग तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं आपके बारे में। और हमारे यहाँ यूपी में चुगलखोरी किसी की बुराई इस तरह से करते हैं, फुसफुसाते इस तरह से हैं कि उसे भी सुनाई दे। शर्मा जी के बड़े वाले के लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं। शर्मा जी का बड़ा वाला कर क्यों नहीं रहा है, कुंवारा जेठ कहाँ गए, अरे गुलाब जामुन खाए रहे कोने में खड़े होकर के। ये नहीं कि शादी कर ले, शादी गुलाब जामुन से क्या मतलब, भट नहीं खाना तुम्हारा गुलाब जामुन। मैं शादियों में जाना ही बंद कर दिया, साला इतना बुढ़ा फील कराते, सब पैर छू रहे हैं। एकाध कोई मोहल्ले के बाहर वाले भी आके छू जाते थे, बाद में पता चलता था वो 4-5 साल बड़े थे, घूंघट करके पता चलता ही नहीं कौन पैर छू रही, पता बुढ़िया भी छू गई एकाध। तो पंडित जी हैं छू ही ले। तो हमारे यहाँ जब वो बोलते ना शर्मा जी का बड़ा वाला कर क्यों नहीं रहा, तो एक हमारे मामा ज़्यादा इमोशनल हो गए, बोले सुनो अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम वॉब्लम हो तो बता दो, हर चीज़ का इलाज आ गया। मेरी बीवी की एक रेसिपी है कि चावल बनाओ तो उसमें एक नींबू डाल दो, चावल खड़े खड़े बनते हैं। मैंने कहा इन्हें क्या लग रहा मेरे चावल में नींबू नहीं है, सारी बारात को लेमन राइस खिला सकता हूँ मामा। अब फिर हमारे यहाँ शादी में एक चीज होती है शगुन का फायर, देखो ये तो होता ही है यूपी में, देखो अमेठी में अब तो AK-47 56 बनाने का कारखाना भी डाल लिया हमने। मोदी जी मेक इन इंडिया अब लाए, हमारे यूपी में बहुत पहले से चल रहा है, 1000 रुपए में मस्त कट्टा, नल की टोटी के पाइप से लाइफ चेंजिंग मटेरियल, बटन दबाते ही आदमी लाइफ से डेथ में चेंज। अब ये नहीं पता उधर वाला कंट्री मेड पिस्टल, ओके सॉ इट इन मिर्जापुर, दैट वन मिर्जापुर। तो एक रिश्तेदार के पास था बढ़िया वाला वेबली स्कॉट का माउजर, हमने कहा देना जरा, उसने कहा देखो गोलियों के चैम्बर में इधर से वजन से भारी हो जाता आगे गिरता है, ऐसे हाथ रखो फिजिक्स समझो, ऐसे करो ऐसे टाइट पकड़ो और ठाक। हमने करा ठाक, चला दिया। मैंने कहा चलो बढ़िया, एक बार गोली भी चलाई लाइफ में, अब यूपी से होके इतना तो करना ही चाहिए एक बार ना, बार वैसे ही बदनाम कर रखा तो एक बार समझ ही लो। ऐसा करके मैं आगे चला, आगे की तरफ मैं बड़ा, पीछे से आवाज़ आई भैया भैया मैं भी चलाऊंगा, मैं ऐसे पलटा जैसे सीरियल में स्लो मोशन में पलटते हैं, कन्ना इसको मत देना। हर खानदान में एक चूतिया लौंडा होता है जिसका नाम होता है गोलू, जो कितना ही बड़ा हो जाए टी शर्ट पर दाल गिराता ही है। गोलू के हाथ में आई बंदूक, गोलू ने हाथ में लेते ही गोलू ने करा यूं, मैंने अरे भैंस की आंख, जंजीर पिक्चर का पोस्टर नहीं है साले, चल जाएगी, जिसकी बंदूक थी वो लेट गया नीचे, उन्होंने कहा ये हो गई गड़बड़। मैं भाग के कूदा और खेत में ट्रैक्टर के टायर के पीछे, मैं कहा देखू यहाँ क्या हो रहा है, फिर मैंने चेक किया वेयर इज माई इमीडिएट फैमिली, मम्मी उधर, भाई उधर, भाई की वाइफ उधर, उसकी बेटी उधर, इन्होंने मारा राइट टर्न, मामा वगैरह भी सब राइट गए, चलो
ये सात आठ रिश्तेदार मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। गोलू चला गोले। गोलू को जैसे मैंने चिल्लाया, गोलू डिस्ट्रैक्ट हुआ। जो नीचे लेटा हुआ था उसने लात मारी, गोलू का पैर से हाथ ऊपर हुआ। जैसे हाथ ऊपर हुआ, तीन चार लोगों ने गोलू को पकड़ा और ऐसे ऐसे करा। गोलू का हाथ एक बार इधर गया, मैंने 250 लोगों की बारात को 100 मीटर स्प्रिंट मार के राइट लेते हुए देखा। पूरी बारात साड़ियां और लहंगे पहन पहन के भाग रही होती, आदमी शेरवानियों में दौड़ रहे हैं और मैं पीछे छुपा हुआ देख रहा हूँ। अभी इतनी देर में गोलू का हाथ ऐसे हुआ और उनने ऐसे ही टेढ़ा ही फायर मारा फुद्दू ने। पता नहीं कौन मरा होगा, रात में खेत रखा रहा होगा कोई, चाय पीते हुए